राम जी। सारा मैं आज मैं बनाऊं राबड़ी, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो पानी मेरा उबल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये तो सबको ही पता है। और ये है वो आटे का घोल, जो तीनों चीज मिलाई है मैंने, इस तरह का घोल बनाया। देखो मैंने इस तरह का, इसमें है मोठ, बाजरी और बेसन, तीनों चीज, ठीक है। और ये पानी उबल चुका है, ये घोल मैंने इसके अंदर मिला दिया, ठीक है। अब देखो इस तरह से बना रही हूँ, एक दिन पहले भी बनाई थी, पता नहीं वो कैसे कड़वी हो गई थी, और आज मैं दूसरी बार फिर बना रही हूँ, तो पता नहीं फ्रेंड उस दिन तो कैसे कड़वी बन गई। और मैंने उस दिन तो ऐसे ही बनाई थी, धूप में जैसे गोल गोल के लस्सी के बीच में धूप में रख दिया था, और उसके बाद शाम को मैंने चूल्हे पे पका ली थी। और आज मैंने अभी गोल गोला जस्ट ही, क्योंकि ये मैंने कोई दीदी का देखा था बनाते हुए, उस दीदी को मैंने कमेंट भी किया पहले, वो दीदी मेरा कड़वा हो गया, तो आज फिर उस दीदी ने रेसिपी पाई, उसका चैनल है मेरी जिंदगी मेरा सफ़र, हाँ यही होगा, पूरा याद नहीं, लेकिन मैंने तो सिर्फ दीदी का चेहरा देख के वीडियो चला लेती हूँ, चैनल नहीं दिखा। उस दीदी ने आज जस्ट ही गोल कर गोल को राबड़ी बनाया, और सुबह तो देखा था दीदी का वीडियो मैंने दोपहर में तो, और अब शाम को बना रही हूँ, अब बना के रखूँगी। अब टाइम हुआ है 5 बजे का, ठीक है, 5 बजे बना रही हूँ, और शाम को रोटी खाते हैं हम 9 बजे, थोड़ी 9 बजे पियेंगे और थोड़ी सुबह पियेंगे, और फिर आपको बताएंगे चेक करके भाई कैसी बनी है, कड़वी बनी या नहीं बनी। अगर कड़वी नहीं बनी फिर तो हमेशा के लिए ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमने पहली बार ऐसे बनाई है, जस्ट गोल बनाया और जस्ट ही बनाया राबड़ी, लेकिन मैं तो सुबह गोल के धूप में रख देती हूँ और शाम को वैसे ही बनाती हूँ। आज ये पहली बार ही ट्राई की है, ये देखी मेरी राबड़ी को उबाल आना शुरू हो गया है, और इसको दो मिनट तक उबालेंगे, क्यों वीडियो बीच में रुक गया था क्या। तो ये देखिए फ्रेंड अच्छी तरह से इसको उबाल आने लग गया, ये देखो कम से कम 2 मिनट तक पकाते रहेंगे, साथ में गाढ़ी हो जाएगी, साथ में अच्छी तरह से पक जाएगी। ये देखिए, अगर मेरी दीदी वीडियो देख रही है तो दीदी देख लो आपकी नकल मैंने कर ली है, और आप जैसे बना रहे थे वैसे की वैसे ही मैंने बनाई है, ये देखो। लेकिन मैंने इतनी गाढ़ी नहीं बनाई, अभी तो पतली है, कहते हैं ना राबड़ी रात भर पड़ी रहती है फिर गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए पतली ही बनाई है। तो आइए फ्रेंड खा लीजिए राबड़ी, अभी तो ये ठंडी होगी फिर आपको और दिखाऊंगी, अभी तो बन रही है। चलो जी अपनी रबड़ी बन रही है, तब तक करते हैं दूसरा काम। लो जी हो गई राबड़ी तैयार, और ये देखो इस पे आ गई है मलाई पतली पतली, ये देखो, देखिए फ्रेंड हमारी राबड़ी बनकर हो गई तैयार। राबड़ी को मिक्स नहीं करूंगी, ऐसे रखूंगी, क्योंकि बेटी कहती है इतनी मलाई मलाई मुझे देना। तो देख लीजिए मेरी रबड़ी बनी के हो गई तैयार, ठीक है। तो चलिए जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। लो जी मैंने सूप छीनना कर दिया शुरू, और फटाफट कमीज तो मैंने पहले बना लिया था, लेकिन सलवार मेरी बची हुई थी तो मैं पहुँचे बना रही थी। तो आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, तो ये है मेरा बड़ा, देख लो मैं इतनी जल्दी जल्दी सी थोड़ी सी वीडियो को फट किया है। तो ये देख, ज़्यादा सुंदर डिजाइन तो नहीं गाल रही, सिंपल से ही बना रही हूँ, क्योंकि घर पे पहनने वाला सूट है, गर्मियों में पहनने वाला सूट है,
वो बिल्कुल ही टूटी टूटे, बिल्कुल ही टूटी, और बहुत सुंदर टूटे। लेके आए हुए तो काफी दिन हो गए, लेकिन मैंने पहले बनाया नहीं, कुछ दिन तो टाइम नहीं मिला, और कुछ दिन फिर ऐसी गर्मियाँ है तो आलस करने लग गई। ऐसे क्या है कि कई बहनें तो बहली होकर सो जाती है, लेकिन मैं तो सोती तो बहुत गट हूँ गर्मियों में। लो जी, ये कौन सा बनकर हो गया तैयार, अभी आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, एक टांका हो रही है। तो मेरी मशीन भी बहुत ज़्यादा आवाज कर रही है, क्योंकि ये मेरे पापा की दी हुई मशीन है, बहुत पुरानी हो गई। ये होगी 22 साल पुरानी होगी, 22 साल हम तो बड़ी जवान हो जाए इसका, तो बड़ी पुरानी नहीं। लेकिन मैंने मशीन बहुत ज़्यादा सूट सी लिया है, और मेरे सूट मैं खुद ही सिलती हूँ, टेलर से बहुत कम सिलवाती हूँ। तो ये देखिए, ये बनकर हो गया रेडी। एक मिनट पास करके दिखा दूँ, तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन गाला है मैंने, और ये कल कमीज सी लिया था, और कमीज पे थोड़ी सी कढ़ाई बस इतनी, और ये बाजू बहुत सुंदर बनाई है मैंने। ये देखो, इस बार मैंने डिजाइन वाली बाजू बनाई है, और आपको पहन के दिखाऊं कैसी लगेगी। ये देखो, कुछ इस तरीके से बनाई है। और तो ये देखिए, मैंने ये सूट कर दिया रेडी, सिर्फ सलवार का बेल्ट रह गया। तो मैंने सूट काटा, उस टाइम मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, तो बेल्ट का कपड़ा काटा ही नहीं, और पूरे कपड़े को सलवार में लगा के कर दिया पूरा। ये देखिए मेरे को ऊंचे ऐसे बने हैं, सुंदर लग रही है ना। ये देखो, इसमें सभी सूटों के ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो ये तो हो गई सलवार, ये देखो 6 इंच के पौचे की है तैयार। तो फ्रेंड, अब ये हो गया काम खराब, सलवार कर दी फुल बारी और बेल्ट काटा नहीं। और ये है इसकी चुन्नी, बिल्कुल प्योर वाली है, धोने के बाद बिल्कुल सुकड़ जाएगी वह चुन्नी है ये। ये देखिए, आप कोट के दिखाऊं कैसी लगेगी मेरे पे। वैसे पीले रंग का सूट बहुत ही घट पहनती हूँ, इस बार मैं ये सूट लेके आई हूँ। देखो ऐसी लगेगी, सुंदर लग रही है ना, जीनी बहुत है। ये देखो मकर मुँह जी दिखा है। तो फ्रेंड, मैं पीले रंग का सूट तो बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पीले रंग का सील लिया, बिल्कुल प्योर की चुन्नी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।